हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट ऑफ माई चैनल दिस इज वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट का अकाउंट हो सकता है, कौन सा स्टॉक अपडेट कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेज पे है क्योंकि थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। आज थोड़ा सा डोजी टाइप या नेगेटिव टाइप थोड़ा सा कैंडल बनाया है। कल भी हम लोगों ने ये पॉइंट पर डिस्कस किया था, मार्केट एक डोजी टाइप कैंडल बना सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉज ले सकता है फिर कंटिन्यू कर सकता है। एग्जैक्टली समय अराउंड उसी लेवल की तरह कैंडल बनाया निफ्टी, एग्जैक्टली डोजी टाइप कैंडल बनाया। इंटरेस्टिंग अभी यही है कि नहीं, इस लेवल को निकाल जितना जल्दी निकाल दे उतना अच्छा है, क्योंकि इस एरिया पे अगर रुका तो फिर सेलर को ये स्टॉप लॉस बहुत अच्छे लगने लगे हैं। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, लोग यहाँ से सेल करके स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल पे रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा सेलर के लिए। और हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से मार्केट कंटिन्यू लेके नीचे लाके जाने के लिए। सेलर ट्राई करेंगे कि इतना जल्दी बायर्स ट्राई करेंगे इतने जल्दी यहाँ से बाय करके ये स्विंग के ऊपर क्लोज दे दे, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्लोज दे रहा है 17,918 तो ये क्लियर कट हो जाएगा कि नहीं, ये बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर 15 मिनट में हम लोग देखेंगे, कल हम लोग डिस्कस किया था ये क्रॉस करते ही साथ हमको बाई करना है एंड स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, सेलिंग तब तक मत करना। ये स्ट्रेंथ कैंडल का समय अराउंड इस एरिया ये जोन जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा डोंट वरी, लेकिन इसके नीचे जब तक नहीं आता एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते, ये वोलेटिलिटी एरिया है। अभी अगर देखेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बेंड होते हुए दिखा है, फर्स्ट हाफ में ये ऊपर की तरफ मूव किया, रिटर्न आया, फिर ये मूव नहीं करता, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन एक बिल्ड हुआ है। अगर जितने लोग को एग्रेसिव सेल करना है या फिर कुछ पोजीशन सेलिंग के लिए बनाना है तो 42,600 के नीचे ट्रेड करने दीजिए। यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं 600 और 100 रुपीज का एसएल रहेगा और हम लोग वेट करेंगे क्या ये 600 से 500, 480, 400 आ रहा है। अगर ये सारे लेवल आ रहा है तो होल्ड करके रखेंगे एंड 400 समय अराउंड 400 लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर ये फिर से आता है कहीं पर नेगेटिव कैंडल बनाता है या प्राइस एक्शन फिर कंटिन्यू रहता है, यहाँ पर हम लोग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो कल पहले हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, एक 600 लेवल के आसपास कम क्वांटिटी में सेल करना है क्योंकि ये वॉलेटिलिटी एरिया है। हो सकता है 600 से 500 आया फिर यहाँ पे पोजीशन बना के फिर ऊपर की तरफ मूव किया और या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके, तो मेक श्योर कि नहीं कम क्वांटिटी शॉर्ट करना। प्राइस एक्शन नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा जब ये 400 या 450 के नीचे आना स्टार्ट करेगा प्राइस, तब कंप्लीटली नेगेटिव हमको दिखेगा, तब एक शार्प सेलिंग भी आ सकता है। बाइंग हम लोग को थोड़ा वेट करेंगे, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन बन चुका है तो 800 के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे बाई करने के लिए। तो कल अगर ये नहीं क्रॉस कर पाता तो हो सकता है कि हम लोग को थोड़ा सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हम लोग कल 600 पे प्लान करेंगे या फिर 400 ये लेवल। अगर जितने लोग को वेट करके ट्रेड करना है सेलिंग पहले मत प्लान करना, 400 जब क्रॉस करने दीजिए तभी हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस एक्शन बेंड होते हुए दिख रहा है। कल कहीं पे साइन नहीं था मार्केट में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, इसके लिए मैंने आपको मना किया था कि नहीं यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते, ओनली यहाँ पे अगर स्विंग क्रॉस करेगा बाई करेंगे। एंड अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव दिख रहा है, विल सी कल इंटरेस्टिंग थोड़ा सा दिख रहा है किस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्ड होगा, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फर्स्ट आपको पता है, तो सेलिंग के लिए मार्केट वेट नहीं करने वाला। अगर नीचे आना होगा तो आ जाएगा, अगर होल्ड करना है तो हम लोग को एंट्री ही नहीं मिलेगी, गैप अप खुल जाएगा तो एंट्री ही नहीं है। तो विल सी किस तरीके से कल ट्रेड होता है। निफ्टी अगर देखेंगे आज ट्राई किया बहुत टाइम तक ऊपर 17,800 के ऊपर निकलने के लिए, यहाँ से एक शार्प सेलिंग लेवल था और उसी लेवल के आसपास से एक नेगेटिव बना, लेकिन प्राइस एक्शन अभी भी पॉजिटिव में ही है, तो हम लोग इसको एग्रेसिव सेल करना प्लान नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस 17,720 के नीचे कुछ अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तभी हम लोग प्लान करेंगे। और यहाँ पे एक स्विंग बनाया है तो 800 के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे बाय, और दैट कितने पोजिशन होल्ड करना पड़ेगा अगर 18,000 तक टारगेट आप लोगों को देखना है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग होल्ड करेंगे। ये सारे जोन में ट्रेड मत करना, कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होगा। आप अगर देख रहे होंगे मार्केट बड़े बड़े स्विंग्स लगा रहा है, तो मेक श्योर कि नहीं एक ट्रेड अगर आपका सही एंट्री हो गया तो बस वेट करके रखिए कि नहीं हाँ क्या ये हम लोग को इधर 18,000 जाएगा या फिर 17,640-50 ये सारे लेवल के नीचे आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा 17,720 के नीचे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 800 क्रूशियल लेवल है, बाइंग अगर इनिशिएट करना है तो 18,000 के ऊपर नीचे खरीद मत लेना कहीं पे भी, वेट करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग बैंक निफ्टी भी देखोगे समय अराउंड इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, आप लोगों को दिख रहा होगा समय अराउंड 42,500 के आसपास ब्रेकआउट दिया था, तो मैं ये वेट कर रहा हूँ कि नहीं अगर ये नीचे आता है तो 600 में एक सेल ऑफ हमारा हो चुका होगा, सेल कर चुके होंगे। अगर 500 में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एक एसएल हिट होगा, वेल एंड गुड, हमको कंफर्म हो जाएगा कि नहीं हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन 450-400 अगर ये लेवल पर मिलता है तो ये प्राइस एक्शन नेगेटिव हो चुका है, तो सेफ साइड अगर रहना है तो 400 के नीचे सेल करेंगे। अगर आपको एग्रेसिव मतलब इन द सेंस कोई मोमेंटम मिस नहीं करना है तो 600 में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 500 एक क्रूशियल लेवल है, हो सकता है 500 पहुंचे या फिर 43,000, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेवल के आसपास अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट कैलकुलेट हो रहे होंगे, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कौन से साइड ये मूव कर रहा है। निफ्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है टाइटन, कल भी मैंने टाइटन आपको बताया था एक पॉज कैंडल टाइप बनाया है, इट्स स्टिल बुलिश कैंडल और
और अभी भी होल्ड कर रहा है अपने लेवल, एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे होल्ड कर रहा है, तो 2640 के ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं। 10 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, इस तरीके का प्राइस एक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जनरली क्या होता है, अगर इमेजिन करो कि नहीं यहाँ पर ये होल्ड नहीं कर पाए, आपको याद होगा इस तरीके का HDFC बैंक मोमेंटम पहले भी कर चुका है, आपको याद होगा मार्केट बहुत बड़ा ऐसे गैप अप खुल गया, ऊपर की तरफ निकल गया, फिर कंटिन्यूसली नीचे आया, इससे पहले भी इस तरीके का एक मोमेंटम किया था समय अराउंड पीछे। लेट्स फोकस करेंटली, ये जिस तरीके से मोमेंटम प्राइस एक्शन किया है, कंटिन्यूसली एक बड़ा कैंडल गैप अप खुला, सेल ऑफ आ गया, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश किया, अभी नीचे आ रहा है। तो कल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर बैंक निफ्टी सॉरी HDFC बैंक अगर ब्रेक कर रहा है 16,060 उसके बाद 50 ये सारे लेवल अगर ब्रेक कर रहा है तो वोल्टेजेस बहुत अच्छा है इसका, तो हम लोग बैंक निफ्टी 600 में कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं। दे वांट टू हॉल्ड कि नहीं, क्या ये मतलब HDFC बैंक या बैंक निफ्टी क्या ये होल्ड कर रहा है 542,500 लेवल, अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है तब हम लोग जो प्राइस एक्शन बनेगा, फ्रेश जो प्राइस एक्शन बनेगा 500 के नीचे जो प्राइस एक्शन बनेगा वहाँ पर हम लोग और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मैं खुद वो प्राइस एक्शन वेट करने वाला हूँ, ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है एंड HDFC बैंक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन हुआ नहीं है, यहाँ से हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते, लेट इट कम। एंड पहला स्टॉक हो जाएगा HDFC बैंक, अगर आता है 1662 के नीचे तब हम लोग इसको सेल करेंगे, 7-8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया, प्राइस एक्शन थोड़ा सा एम पैटर्न टाइप ये बनाने का कोशिश कर रहा है, ऊपर गया यहाँ पे स्विंग बनाया है, एम पैटर्न कन्फर्मेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर रिटेस्ट भी करे तो भी हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन अगर इमेजिन करो 233 के ऊपर अगर कुछ खुलता है, गैप अप खुलता है तो हम लोग इसको सॉरी 231-232 इस लेवल पे अगर कुछ गैप अप खुलता है ये बॉडी के ऊपर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर फ्लैट खुलने के बाद 230-229.50 ये सारे लेवल अगर क्रॉस करता है तभी हम लोग इसको सेल कर सकते हैं, 1-1.5 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट होना चाहिए। मेक श्योर कि इतने लोगों के पास अभी होल्डिंग में पोजीशन ऑलरेडी है वीकली बेसिस में या मंथली बेसिस में, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो पी शॉर्ट करके रखें, या फिर बुलिश की कोई ट्रेड है, मेक श्योर कि नहीं 500 के नीचे 450 के नीचे या फिर 400 के नीचे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है ना तो डोंट हेजिटेट टू सेल, भले आपको अभी प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन सेलिंग की तरफ मार्केट में ज़्यादा मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, मार्केट बाइंग की तरफ आपको हाथ में नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मार्केट बाइंग के लिए जाता है वो हाथ में नहीं आता कि नहीं आप कहाँ पर एंटर करोगे, हमेशा आपको गैप अप खुल जाएगा या फिर एक से डोजी टाइप का कैंडल मिलेगा, एंट्री नहीं मिल सकता, लेकिन सेलिंग में लोगों को बहुत अच्छे एंट्री मिलते हैं, एंट्री बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन लोग बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाते क्योंकि इतने फास्ट मोमेंटम होते हैं, जब ऊपर चढ़ता है मार्केट आपको अगर 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है 2,000 प्रॉफिट बहुत डिफिकल्ट दिखेगा कि नहीं 1,500 जाएगा, फिर 1,200 आ जाएगा, फिर 1,700 आ जाएगा, तो ये साइकोलॉजी में लोगों का क्या होता है, जब मार्केट नीचे आता है उन लोगों को 1,000 रुपये का प्रॉफिट बहुत जल्दी दिखता है, फिर 2,000 का प्रॉफिट दिखता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये भी ना रिवर्स हो जाए और मैंने दो तीन ट्रेड जब अपसाइड गया था प्रॉफिट मैंने जल्दी बुक कर लिया था या फिर स्लो एंड स्टडी बढ़ रहा था, नीचे की तरफ फास्ट मूव करता है तो लोग क्या करते हैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और मार्केट बड़ा मूव करता है। जनरली सेलिंग का मार्केट फास्ट होता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सेलिंग के लिए वेट करेंगे और जितने लोग पास पोजीशन ऑलरेडी है मेक श्योर कि नहीं लेट इट बी 250 पॉइंट अगर और नीचे आ रहा है 450-400 आ रहा है तो फिर एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर एक SL देके निकल सकते हो, फिर हम लोग फ्रेश पोजीशन बनाएंगे कहाँ पे प्लान हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक वेट कर चुका है, यहाँ निकला पॉज लिया, विच इज़ ए वेरी गुड साइन कि वो टॉप के आसपास एक पॉज ले रहा है, कल इसको फिर से फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुल के हमको हमारा लेवल 600 आना नहीं देना चाहिए, अगर आया भी तो 2-3 टिक ट्रेड किया फिर उसके बाद ये अगर निकल जाता है 43,000 के आसपास हमको कन्फर्म हो जाएगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन मिलता है तो वेल एंड गुड, विल सी किस तरीके से ट्रेड होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छा लगा लाइक इस एफर्ट्स, अब के इतना ही, थैंक यू।